हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर प्लान। एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ, जो कि 21 फीट बाई 22 फीट सॉरी 41 फीट बाई 22 फीट 10 इंचेस का प्लॉट है, जो कि साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट है, जिसमें आप लोग ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर है जो हम पे यहाँ पे रैंप दिया गया है, जो कि साउथ और ईस्ट कॉर्नर पे है। नीचे में पूरा पार्किंग एरिया है और साउथ ये आपको वेस्ट और साउथ कॉर्नर पे आपको स्टेयरकेस दिया गया है। स्टेयरकेस का डायमेंशन आप देख सकते हैं 16 फीट बाई 7 फीट 3 इंचेस में बना हुआ है। यहाँ पे कार पार्किंग आराम से 2-3 कार पार्क हो सकता है। पार्किंग एरिया जो है आपको 820 स्क्वायर फीट है। कॉलम्स का पोजिशन आप देख सकते हैं, सारे कॉलम्स का जो साइज है वो 10x10 का है। और मैं चलता हूँ आपको इसके फर्स्ट फ्लोर और की तरफ। स्टेयर से हम जैसे हम सब लोग फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर की तरफ आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ हम जैसे ही आए हैं, यहाँ पे आपको स्टेयर से ऊपर आने पे यहाँ डाइनिंग हॉल मिलता है, जो कि आपको 12 फीट 2 इंच बाई 12 फीट 5 इंच का है। यहाँ पे साउथ और ईस्ट कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा किचन, जो कि वास्तु के हिसाब से अग्नि कोण पे है, जो कि 12 फीट बाई 7 फीट का है। यहाँ पे पूजा घर है उसके जस्ट बाहर, जो कि 8 फीट 1 इंच बाई 5 फीट का है, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग सही है। यहाँ पे एक और नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर पे बेडरूम मिलता है, जो कि 12 फीट बाई 9 फीट के, जो कि फर्स्ट बेडरूम मैं इसको बोल सकता हूँ। यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट है, जो कि 9 फीट 2 इंच बाई 4 फीट 11 इंच का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड बेडरूम, जो कि 12 फीट बाई 9 फीट 2 इंच का है। यहाँ पे थर्ड बेडरूम है, जो कि मास्टर बेडरूम है। इसका साइज है आपको देख सकते हैं डायमेंशन 10 फीट बाई 10 फीट 9 इंच, और इसमें जो टॉयलेट अटैच है उसका डायमेंशन आप देख सकते हैं 10 फीट बाई 5 फीट का। ये सिंपल सा प्लान है। अब हम आपको ले चलते हैं इसके सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर की तरफ। सेकेंड फ्लोर इसको बोलिए, मैंने इसे थर्ड फ्लोर इससे बोला है क्योंकि आप पीछे वाले जो प्लान था फर्स्ट फ्लोर, उसको सेकेंड फ्लोर में भी कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर का आपका जो प्लान है वो सेम रहेगा। जैसे हम लोग सेकेंड फ्लोर पे आएंगे, यहाँ पे मैंने चेंज किया है, यहाँ पे डायमेंशन ये 1 BHK फ्लैट है, जो कि यहाँ से एंट्रेंस है फ्लैट का। यहाँ पे आपको डाइनिंग हॉल का साइज मिल जाएगा देखने को, डायमेंशन 11 फीट 7 इंच बाई 8 फीट 8 इंच का। उसके बाद यहाँ पे एक टॉयलेट है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि मास्टर बेडरूम का लुक दिया गया है, जो कि 10 फीट बाई 10 फीट 9 इंच का है, और टॉयलेट का डायमेंशन आपको 10 फीट बाई 4 फीट का है। और यहाँ पे किचन है, जो कि 11 फीट 7 इंच बाई 7 फीट का है। और यहाँ पे ओपन टेरेस है, जहाँ पे गार्डनिंग वगैरह आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्लान है आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी कोई प्लान ऐसा बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट्स के ऊपर प्लान बनाऊंगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर का प्लान सेम है, उसी हिसाब से मैंने एलिवेशन भी बनाया है, और यहाँ पे थर्ड फ्लोर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉल दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टेयर केस है। ये जो आपको दिख रहा है एलिवेशन, ये आपका वेस्ट फेसिंग एलिवेशन है। अब मैं आपको साउथ फेसिंग एलिवेशन आपको दिखा देता हूँ। ये साउथ फेसिंग एलिवेशन है, जैसे कि यहाँ पे रैंप दिया गया है, यहाँ पिलर पोजिशन है, यहाँ पे स्टेयर केस है, और ये हॉल वगैरह है, यहाँ पे किचन है, और ये ऊपर स्टेयर केस है। और ये आप देख सकते हैं ऊपर वाले 1 BHK का फ्लैट का ये डोर दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्लान आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए प्लान में, एक नए वीडियो में, एक नए प्लान के साथ। तब तक लिए बाय बाय। आप कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट्स हमें अच्छे लगेंगे तो उस पर प्लान में मैं ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाकर मुझसे आप पर्सनली जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।